इस भारी बहुमत के पीछे क्या है समझ, तो बीजेपी का कितना योगदान है, लोगों का योगदान है, मोदी का कितना योगदान है? जी इस बार अरुणाचल प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। जैसे आपने कहा 2019 इलेक्शन में वी वॉन द इलेक्शन बाय विनिंग 41 सीट्स 2019 में, इस बार 2024 में वी हैव वॉन 46 सीट्स। सो ये एक इंडिकेशन है टुवर्ड्स ए विकसित अरुणाचल, ये एक इंडिकेशन है टुवर्ड्स ए विकसित भारत। जिस प्रकार से अपना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को जो लीड कर रहा है, और हमारा नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश में जो कार्य हुआ है उनके मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। दिस इज एन रिफ्लेक्शन ऑफ द वर्क डन बाय द बीजेपी पार्टी के गवर्नमेंट श्री नरेंद्र मोदी जी और स्टेट में हमारा पूरा बीजेपी के कार्यकर्ता, तो ये सभी का एक मेहनत का एक फल है। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से आई वांट टू एक्सप्रेस माय हार्टफेल्ट थैंक्स टू ऑल द वोटर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड ऑल द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश फॉर रिस्टोरिंग द फेथ वंस मोर टू द भारतीय जनता पार्टी। 2016 अगस्त से आप लगातार बागडोर संभालते आ रहे हैं, 2024 तक 8 साल हो गया है, अगले 5 साल अरुणाचल आप ही को मुख्यमंत्री के रूप से देखेंगे? इसमें क्योंकि बीजेपी एक पार्टी विद डिफरेंस है, इसमें हम लोग लीडरशिप का चेयर हम लोग क्लेम नहीं करते हैं, पार्टी का अपना एक फॉर्मेलिटीज होता है। अभी रिजल्ट्स के बाद में पार्टी तय करेंगे, सीनियर व्यक्ति आएंगे दिल्ली से और पार्टी का जो भी निर्णय है वी हैव टू फॉलो इट। कब तक नया सरकार होने का उम्मीद है, कब तक आप गवर्नर के पास पहुंचेंगे जाके? न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन का प्रोसेस इस प्रकार से रहेगा, क्योंकि 4 जून को एमपी का काउंटिंग होना है, सो आफ्टर 4 जून हमारे जितने भी एमएलए है वो लोग भी यहाँ इटानगर पहुंच जाएंगे, और तब तक जैसे मैंने कहा दिल्ली से भी कोई सीनियर का यहाँ पे ड्यूटी लगाया जाएगा, तो होने के बाद तो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे, इट वॉन्ट टेक मच टाइम। थोड़े समय के सही आप एक पार्टी जिस पार्टी का मुख्यमंत्री रह चुके थे उस पार्टी ने भी इस बार 2 सीट अपने किटी में लाया है, 2 सीट लाया शायद से आपके बहुत अब दोस्ती कहते हैं शायद कॉनराड संगमा को, उनको भी 5 सीट मिला है इस बार पिछले 7 तो क्या है मतलब, ये अलग से रहेंगे या ये चाहे तो आउटवर्ड सपोर्ट अगर देना आपको देना चाहते हैं तो आप उनको एक्सेप्ट करेंगे? अरुणाचल प्रदेश में देखिए हमारा जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन है वो कांग्रेस ही है, तो देखिए आउट ऑफ 60 कॉन्स्टिट्यूएंसी कांग्रेस को सिर्फ एक ही सीट मिला है। अच्छा, उनका पराजय का वजह से आप जीते हैं या आप अपने बलबूते जीते हैं? इट्स बिकॉज ऑफ कांग्रेस फॉल यू हैव रिजन और इट्स ओनली ऑन योर हार्ड वर्क यू हैव रिजन, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कांग्रेस डाउनफॉल? देखिए कांग्रेस का तो डाउनफॉल तो पूरा तय ही है, एंड द वर्क विच द बीजेपी हैज डन, दिस इज द विक्ट्री, दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द एफर्ट्स एंड द यू नो वर्क डन बाय द बीजेपी पार्टी, तो ये काम किया वाला का जो रिफ्लेक्शन है। सो बाकी कुछ रीजनल पार्टीज भी जीते हैं, और ब्रॉडली आई थिंक इसमें जो भी है सो आई थिंक इन लार्जर प्लेटफॉर्म में एनडीए का साथ ही है, जो सेंटर में अगर एनडीए का साथ है तो डेफिनेटली वो लोग भी यहाँ पे आके शामिल हो सकता है, वो लोग दे कैन एक्सटेंड देयर सपोर्ट, इट्स ओके। अगले 5 साल में 3 ऐसा काम जो आप करना चाहेंगे प्रायोरिटी के साथ? अरुणाचल बहुत चैलेंजिंग एक राज्य है और पूरे नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ में डेवलपमेंट लेके जाना वाकई ही बहुत चैलेंजिंग है। तो देखिए कनेक्टिविटी काफ़ी हद तक हम लोग ने सोल्व कर पाया है, सो कनेक्टिविटी का हमारा ऑलरेडी प्रायोरिटी हमेशा रहेगा, और साथ साथ इसके अलावा हमारा एजुकेशन सेक्टर को अभी अच्छे प्रकार से और भी रिवैम करना बहुत ज़रूरी है, और इसके अलावा फिर हमारा हेल्थ सेक्टर में भी हमारा डिस्ट्रिक्ट्स और हॉस्पिटल्स में काफ़ी सारा काम होना है। इसके अलावा देखिए अरुणाचल में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है हमारा यहाँ रिसोर्स को ट्रैप करने के लिए, हमारे यहाँ पे हाइड्रो पावर सेक्टर बहुत अच्छा है, तो हाइड्रो पावर के क्षेत्र में हम लोग बहुत रिग्रेसली हम लोग काम कर रहा है ताकि स्टेट और देश का रेवेन्यू में हम लोग कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। इसके अलावा फिर फार्मिंग सेक्टर में हमारा काफ़ी फोकस रहेगा, और साथ ही साथ हमारा जो एंटरप्रेनर्स डेवलपमेंट का जो यंग एंटरप्रेनर्स है खास करके उन लोगों को सरकार की ओर से सहयोग देने का, तो इस तरह से ऑलरेडी हम लोग ने रोड में पार्टी की ओर से बना के रखा हुआ है, ये नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये सारा काम को ज़रूर हम लोग करेंगे। बात है कि असम अरुणाचल का बॉर्डर इशू एक चल ही रहा है, वो एक सॉल्व करना बात है। इलेक्शन के दौरान चकमा हसा हाजों का रिहैबिलिटेशन का बात निकल के आया था, अभी के एमपी ने कहा था कि असम को बहुत सारा बर्डन लेना पड़ेगा, तो ये सारे चंद असम के साथ मुद्दे हैं, उनको किस तरीके से सॉल्व करने का सोच रहे? आपने ठीक ही मेंशन किया, क्योंकि असम अरुणाचल का जो बॉर्डर था वो लंबा असर तक अराउंड 70 ईयर्स से ही वो पेंडिंग चल रहा था,
सो भारतीय जनता पार्टी का सरकार केंद्र में आने के बाद, असम में आने के बाद, अरुणाचल में आने के बाद, तो हम लोग ने तय किया है कि माननीय पीएम साहब ने कहा कि इसको आप लोग कोर्ट में जाके सोल्व कर नहीं पाएंगे, इसको आपस में मिल के बैठ के सुलझाना चाहिए. सो ऑन द एडवाइस ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड आवर होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी, तो असम के सीएम साहब हेमंत जी और हम लोग ने पूरे बैठ के दोनों राज्य की ओर से वी हैव कॉन्स्टिट्यूटेड रीजनल कमिटीज. सो उस आधार पे हम लोग ने विलेज वाइज तो इस ऑल सॉर्टेड आउट. अभी कुछ कुछ एरियाज में बाउंड्री का डिमार्केशन करना है, वो भी आई थिंक अभी बहुत जल्दी, क्योंकि इलेक्शन कम्प्लीट हो गया है, सरकार फॉर्मेशन होने के बाद उस चीज़ को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे. सो दूसरा जो क्वेश्चन आपने जो रखा है रिगार्डिंग चकमा वाला जो मैटर है, सो चकमा एरियाज़ में मैं जो टूर करता हूँ, मैं भी जाके विजिट किया है, उनका कंडीशन बहुत ही ख़राब कंडीशन है. और अरुणाचल प्रदेश हम लोगों का यहाँ पे सिंस वी कम अंडर दिस BFR 1873 बंगाल इंस्टेंट फ्रंटियर एक रेगुलेशन है, उसका मुताबिक आउटसाइडर्स दे कांट हैव लैंड इन अरुणाचल प्रदेश. सो उस हिसाब से 1960s में जो वो लोग एज रिफ्यूजी के तौर पे आया, तो उस वक्त में भारत सरकार ने उन लोगों को टेम्प्रेरी बसने के लिए जगह दिया हुआ है. तो ऐसे करते करते अभी काफ़ी लंबा असर से वो लोग भी वहाँ पे बैठ गया. अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को जॉब भी नहीं मिलता है, उन लोगों का दे यूज टू अर्न देयर ब्रेड बाय एज डेली वेज अर्नर. तो मैंने कहा कि देखो, आप लोगों को इस प्रकार से बैठते जाओगे तो आपका जनरेशन हमेशा आपको लेबर काम ही करना पड़ेगा. तो अभी हम लोगों को प्रॉब्लम सोल्व करना है, आप लोग भी यहाँ में कब तक बैठोगे. तो अभी उस मैटर को हम लोग ज़रूर भारत सरकार के साथ में हम डिस्कस करेंगे, एंड डेफिनेटली भारत सरकार भी चाहेंगे कि उन लोगों का भी मदद करेंगे, चकमास को कहीं भी रिहेबिलिटेट करेंगे. ये अभी तय नहीं हुआ है, तो हम लोग बात रिहेबिलिटेट नहीं हो सकता है. यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जो कहा है, एक टेक्निकल BFR के अंदर में आता है, तो इस रूल्स का हम लोग उल्लंघन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इट्स इन ट्राइबल स्टेट और उस आधार उस BFR के आधार पर यहाँ पे बाहर के लोग यहाँ पे जमीन ऑक्यूपाई करने से. ऐसा और एक कॉन्टेंशियस इश्यू है, यहाँ पे जो अहोमिया अरुणाचली है खुनसा साइड में, उस साइड में उनका जो परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, उसका PRC का एक बहुत बड़ा मसला है, उसका कोई सॉल्व हो सकता है या वो भी वैसे ही रह जाएगा? देखिए, पूरा PRC तो हम दे नहीं पाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसके ऊपर में चर्चा हुआ था, तो काफ़ी मेजर लॉ एंड ऑर्डर इशू भी हुआ था. मगर उस दिशा में इस बार ऑलरेडी हेमंत जी जो यहाँ अरुणाचल में आया, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसाम, उन्होंने अनाउंस करके गया है कि जितने भी जो आसामीज अरुणाचल में जो बसे हुए हैं, उनका PRC जो है वो आसाम से ही दिया जाएगा, और नौकरी में भी हो, मेडिकल कॉलेज में भी हो, उनको वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज देंगे. ये आसाम की ओर से ऑलरेडी इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया हुआ है. बहुत बहुत शुक्रिया. सो ये थे अरुणाचल के मुख्यमंत्री. वो कह रहे हैं कि इस बार एजेंडा तो अलग होगा, और जो 41 से 46 तक लेबर का वोट का जो सीटों का संख्या बढ़ा है, और जो एक बहुमत BJP को मिला है, ये बहुमत लोगों का प्यार है, लोगों का विश्वास है, और मोदी के प्रति उनका अब उनका अगाध विश्वास है, और जिसके वजह से अरुणाचल पूरे देश को जो सूर्योदय का देश कहा जा रहा है, वही पूरे देश को इलेक्शन के मामले में या मोदी के प्रति जो उनका भाई जो प्रेम है, उसके एक जीवंत निदर्शन है. कैमरामैन संजय बारा के साथ मैं नीलम भट्टाचार्य, न्यूज़ 18.